लगातार जो हिंसा जारी है और लगातार अटकलें जो लगाई जा रही थी कि बांग्लादेश की मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं वो कहाँ जा रही हैं, लेकिन अब गाजियाबाद में शेख हसीना का विमान लैंड हो गया है, हिंडन एयरपोर्ट पर शेख हसीना का विमान लैंड हो गया है। इस बीच जो बड़ी जानकारी आ रही है आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद के एयरपोर्ट पर शेख हसीना का विमान लैंड हुआ है। हिंडन एयरबेस पर आपको बता दें कि शेख हसीना का विमान जो है वो सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुका है। अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत पहुंच सकती हैं शेख हसीना, लेकिन अब जो खबर आ रही है गाजियाबाद में देखिए लैंड हो चुका है शेख हसीना का विमान, हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान पहुंच चुका है। इस वक्त की जो बड़ी जानकारी मिल रही है, एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं कि हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान इस वक्त जो है पहुंच चुका है। बांग्लादेश में जो हिंसा की आग भड़की है उसके बाद जो खबरें आ रही थी कि शेख हसीना वो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश के लिए रवाना हो चुकी हैं और अटकलें ये भी लगाई जा रही कि भारत पहुंचने वाली हैं, भारत पहुंच सकती हैं, लेकिन अब ये खबर जो है पुष्टि हो चुकी है, इसकी कंफर्म हो चुकी है। देखिए गाजियाबाद के एयरबेस पर, हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का ये विमान जो है अपनी बहन रिहाना के साथ वो पहुंच चुकी हैं, लैंड कर चुका है। वायुसेना के अधिकारियों ने उनके विमान को रिसीव किया है, हिंडन एयरबेस पहुंच चुका है शेख हसीना का विमान। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हिंडन एयरबेस से, जहां पर शेख हसीना का विमान इस वक्त लैंड किया हुआ है। हिंदी खबर पर सबसे पहले सबसे सटीक ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद में शेख हसीना का ये जो विमान लैंड हुआ है, सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बांग्लादेश छोड़कर के भारत पहुंच चुकी हैं शेख हसीना, यानी कि कहिए कि भारत की शरण में इस वक्त शेख हसीना का विमान जो है इस गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर पहुंच चुका है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, और प्रदर्शनकारी जब शेख हसीना के आवास पर पहुंचकर वहां पर लूटपाट उन्होंने की है, तमाम उग्रवादी संगठन जो है पहुंच करके उनके आवास को क्षति पहुंचाई है। उसके बाद हेलीकॉप्टर से शेख हसीना को यहाँ पर एयरपोर्ट पहुंचाया गया और एयरपोर्ट से वो सीधे इस वक्त जो अटकलें लगाई जा रही थी वो कंफर्म, वो पुष्टि हो गई है उस खबर की कि हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड हो चुका है, यानी कि भारत पहुंच चुके हैं शेख हसीना अपनी बहन के साथ। शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद हैं हिंडन एयरबेस पर, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पूरे सुरक्षा के साथ उनके विमान को वायुसेना के अधिकारियों ने रिसीव किया है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ हिंडन एयरबेस की ये तस्वीर है, दूसरी तरफ आप देखिए बांग्लादेश में हिंसा किस तरीके से इस वक्त वहाँ पर हो रही है। आप देखिए शेख मुजम्मिल रहमान की मूर्ति को, उनके पिता की यानी शेख हसीना के पिता की मूर्ति को तोड़ते हुए उग्रवादी संगठन आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर हड़कंप मचा रहे हैं, वहाँ पर विरोध कर रहे हैं, और इसी को देखते हुए एहतियातन शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद तमाम उनके विमान को ट्रैक किया जा रहा था कि शेख हसीना का विमान कहां जा रहा है, लेकिन अब जो खबर आ गई है कि शेख हसीना का विमान फिलहाल हिंडन एयरबेस पर लैंड कर चुका है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने उनके विमान को रिसीव किया है हिंडन एयरबेस, चूंकि यहां पर ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आपको बता दें भारत के बाद लंदन जा सकती हैं शेख हसीना, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी आ रही है आपको बता दें भारत में शरण नहीं लेंगी शेख हसीना। जो बड़ी जानकारी जो आ रही है कि शेख हसीना भारत में शरण नहीं लेंगी, सीधे यहां से लंदन जा सकती हैं, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर। फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान पहुंच चुका है, और यहां पर जो खबरें मिल रही हैं कि सूत्रों के हवाले से कि शेख हसीना भारत में शरण नहीं लेंगी, और भारत भी चाहेगा कि इस वक्त बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया कैंपेन न चले, और उसी को देखते हुए आप देखिए कि हिंडन एयरबेस पर उनको रिसीव किया गया। हालांकि ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि भारत में शरण नहीं लेंगी शेख हसीना, भारत के बाद लंदन जा सकती हैं शेख हसीना, भारत में शरण नहीं लेंगी शेख हसीना, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी आ रही है आपको बता दें। लेकिन इस बीच ये खबर है कि शेख हसीना का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड कर चुका है, उनके विमान को ट्रैक किया जा रहा था,
और अब जो खबर आ रही है गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उनका जो विमान है वो लैंड कर चुका है, यानी कि वायुसेना के अधिकारियों ने वहां पर उनको रिसीव भी कर लिया है। ये देखिए जो दो तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर, पहली तस्वीर आप देखिए, जब ये बताया जा रहा था, ये वीडियो खूब वायरल हो रही थी कि शेख हसीना को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरपोर्ट पहुंचाया गया पहले बांग्लादेश में, और वहां से उनको विमान के जरिए अब भारत जो है पहुंचाया गया है। और अब खबर कंफर्म हो चुकी है कि हिंडन एयरबेस पर फिलहाल शेख हसीना का ही विमान पहुंच चुका है, उनके साथ उनकी बहन भी हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, प्रदर्शनकारी कितने उग्र हैं, लगातार विरोध करते हुए प्रधानमंत्री आवास में भी उन्होंने लूटपाट की है, और जगह जगह हिंसा का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में। विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि शेख हसीना फिलहाल दिल्ली से लंदन जाएंगे। बांग्लादेश में इस कदर हालात बिगड़े हुए हैं कि आप देखिए जगह जगह यात्री परेशान हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग लूटपाट कर रहे हैं, दुकानों में घुस करके लूटपाट हो रही है, प्रधानमंत्री आवास में पहुंच करके वहां पर हिंसा की जा रही है। और इसी के एहतियातन शेख हसीना ने अपने देश को छोड़ दिया है, बांग्लादेश को छोड़ दिया है, और अब भारत इस वक्त पहुंची हुई है। हालांकि जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से उसमें यह है कि शेख हसीना फिलहाल भारत में शरण नहीं लेंगी, कहां जाती हैं इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से वहां पर जो तमाम उग्रवादी संगठन हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस वक्त कितना उग्र हैं। बांग्लादेश में जगह जगह विरोध किया जा रहा, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि बदलाव की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर दंगल इस वक्त छिड़ा हुआ है, 100 से ज्यादा लोग इस वक्त मारे जा चुके हैं। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर।